हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग आज हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री इक्वेशंस इसके पहले वीडियो में मैंने आपको टिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ाया था उसमें मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चंस कराऊंगी लेकिन मैं अब पूरे टॉपिक को पहले पढ़ा रही हूँ टिग्नोमेट्री का उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगी आपको टिग्नोमेट्री में बेसिकली आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखने होते हैं उसी के बेसिस पे आपके आगे के क्वेश्चंस बनते हैं तो आज हम टिग्नोमेट्री इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और फार्मूले देखेंगे टिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है ये और यहाँ पर है जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो तब होगा थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो तब थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाय टू या टू एन प्लस वन पाई बाय टू टेन थीटा इक्वल टू ज़ीरो वेन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन तब हमारा थीटा होगा थीटा इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू इज इक्वल्स टू फोर एन प्लस वन पाई बाई टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन थीटा इज इक्वल्स टू टू एन पाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन के पावर में एन जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू माइनस नाइन्टी से प्लस नाइन्टी होगी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू जीरो से वन एटी डिग्री होगी टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू माइनस नाइन्टी से प्लस नाइन्टी सपोज करिए साइंस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइंस स्क्वायर अल्फा फिर तब होगा थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा अब हम कुछ और फॉर्मुलेज देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज कहीं पर अगर आपको ऐसा लिखा मिलता है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा या फिर ए थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इस केस में मैक्सिमा वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है साइन थीटा कॉस थीटा के पावर में एन है तब मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी और मिनिमम वैल्यू होगी वन बाई टू के पावर में एन सपोज़ करिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी को स्क्वायर थीटा कहीं पे दिया हुआ है और जब ए ग्रेटर देन वन है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ए और मिनिमम वैल्यू होगी बी सपोज करिए लेस देन बी है तब मैक्सिमम वैल्यू होगी बी और मिनिमम वैल्यू होगी ए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीठा अगर दिया है या फिर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक्स स्क्वायर थीटा दिया है या फिर ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी और मिनिमम वैल्यू होगी टू अंडरूट ए बी इस टेबल को अच्छे से याद करें क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा से नेक्स्ट हम कुछ और देखते हैं ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू सपोज करिए कहीं पे लिखा है साइन एन थीटा या कॉस एन थीटा यहाँ पे एन की वैल्यू ऑड है तो मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस वन होगी मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होगी साइन थी साइन एन थीटा या कॉस एन थीटा दिया है यहाँ पे एन की वैल्यू अगर इवन होगी तो मिनिमम वैल्यू ज़ीरो होगी मैक्सिमम वैल्यू वन होगी टेन एन थीटा या कहीं पे कॉट एन थीठा लिखा है जहाँ पे एन की वैल्यू अगर ऑड है तो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट मैगजिमम वैल्यू होगी प्लस इनफाइनाइट कहीं पे लिखा होगा टेन एन थीठा या कॉट एन थीटा जहाँ पे एन की वैल्यू इवन होती है तब मिनिमम वैल्यू होगी ज़ीरो मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस इनफाइनाइट सेक एन थीटा कॉसैक एन थीटा एन की वैल्यू यहाँ पे ऑड है तो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस इनफाइनाइट। फाइनाइट सेक एन थीटा या फिर कॉसैक एन थीटा दिया हुआ है यहाँ एन इज इवन नंबर है तो मिनिमम वैल्यू आपकी होगी वन और मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी प्लस इनफाइनाइट अब देखिए ये सी एस सी एंड थीटा का मतलब है कॉसेक एंड थीटा तो कंफ्यूज ना हो जहां भी ये लिखा दिख रहा है इसका मतलब यही है सो so, स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे जब भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले ज़रूर काम आएंगे तो इसे ध्यान से देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू